मोहतरम बुजुर्गो नौजवान भाइयों तेरे बच्चों और आज का मौजू गुफ्तगु नॉलेज ज्ञान मैंने सूरह फातिर की आयत करीमा का एक टुकड़ा तलावत किया। पहले इस टुकड़े पर बहस कर लेते हैं। انما يخشى الله من عباده العلماء الله سے عالم لوگ ہی ڈرتے ہیں علماء ہی علماء جانتے ہیں کہ یہاں جو انما یہ کلمہ حصر کیا مطلب और ये हसर तरफेन से इसको ऐसे समझे कि जो आलिम है वही अल्लाह से डरता है और जो अल्लाह से डरता है वही आलिम हसर तरफ है दोनों तरफ से जो आलिम है वही अल्लाह से डरता है और जो अल्लाह से डरता है वही आलिम। यही इस हसर का फायदा है। और अजीब बात तो ये है, ये जुमला जुमला इसमें आया मुफस्सिर लिखता है हदा दलील अला अन अल खशियता ला तस्बुतु ली अहलिहा इल्ल बिल्लाह। कहता है कि अगर अल्लाह का डर अल्लाह की खशियत दिल में मुसलसल रखनी है, एक थोड़ी देर के लिए आदमी डर गया, इट इज नॉट सफिशियंट, काफी नहीं है, बल्कि ये डर मुस्तकिल होना चाहिए, कंटिन्यूअस मुसलसल होना चाहिए। अब अल्लाह का जो ये डर दिल में आया है इसको कंटिन्यू रखना है। हाँ, कैसे? निकल जाए तो बताया गया ये जुमला इसलिए है जो इस्तिमरार में दलालत करता है, यानी अल्लाह की खशियत अगर मुसलसल दिल में रखनी है तो उसका एक ही तरीका है इल्म। जुमला इसमें कौन पाता कि अगर अल्लाह की खशियत और उसका खौफ ये हमेशा दिल में रखना है तो उसका एक ही तरीका है ला तस्बुतु लि अहलिहा इल्ला बिल्लाह। इल्म के जरिए ही आदमी के दिल में अल्लाह का डर मुसलसल रहता है। ये दो बातें हमने इस आयत के बाद तीसरी चीज ये खशियत पैदा कैसे होती है? अल्लाह का डर पैदा कैसे होता है? कहते हैं कि ये जो खशियत आ गया है इन्नमा यख्शल्लाह मिन इबादी उलमा ही के दिलों में अल्लाह की खशियत होती है। तो ये खशियत किसको बोलते हैं? खशियत किसको बोलते हैं? बताया गया कि अल खौफ अन्नातिश अनिल इल्म से पैदा होने वाला जो डर होता है उस डर का खशियत हर डर को खशियत नहीं कहते बल्कि इल्म से अगर डर पैदा हो रहा है तब वो खशियत है। मिसाल देता हूं, एक रिक्शा वाला
रिक्शा चलाता हुआ जा रहा है, एक सफेद कुर्ते और पजामे में मलबूस एक साहब रास्ते में खड़े हैं और रिक्शे को हाथ देते हैं, रिक्शा रुकता है, वो कहते हैं कि हमें फला जगह पहुंचा दो बैठिए। अब वो साहब बैठ जाए, थोड़ी दूर चलने के बाद दो हुंडे टाइप के लड़के रिक्शे को हाथ देते हैं, रिक्शा रुकते हैं, कहता कहाँ जा रहा है, कहा कि आगे छोड़ दे, अभी दोनों में बैठ जाते। तो ये जो सफेद कपड़ों में मलबूस आदमी जो पहले से बैठा हुआ है, एक हुंडा इसके दाएं तरफ बैठ जाता है और एक हुंडा इसके बाएं तरफ बैठ जाता है और रिक्शा फिर रमादमा हो जाता। अब ये जो दोनों लड़के हैं, कभी इस आदमी को दाएं से टोनी मारते हैं, दूसरा वाला बाएं से टोनी मारता है, कोई गाना गा रहा है तो कोई उससे मजाक कर रहा है। हजरत आपकी शादी हुई है कि नहीं, शादी नहीं हुई तो लड़की वड़की देखू, यानी उससे तरह तरह के मजाक वो कर रहे हैं और ये सिलसिला जारी है। अचानक वो आदमी कहता है रिक्शा वाले से, यार रिक्शा रोक, रिक्शा वाला रिक्शा रोक, और ये सफेद कपड़ों में मलबूस ये शख्स बाहर निकलता है तो वहां एक पुलिस वैन खड़ी रहती है और जैसे वैन के अंदर बैठे हुए सारे पुलिस वाले उस सफेद पोश आदमी को देखते हैं, गाड़ी से उतर करके आते हैं और तो सैल्यूट करते हैं। पता ये चलता है कि ये आदमी इसलिए इस एरिया का बड़ा ऑफिसर है। जानते हैं जब इन दोनों को मालूम हुआ कि ये कोई मामूली आदमी नहीं है बल्कि ये ऑफिसर है पुलिस वाला, उसके पलटने से पहले ये दोनों रफू चक्कर हो गए, भाग गए थे। क्यों? पहले ये दोनों समझ रहे थे कि एक आम आदमी है, मगर जब इन्हें इल्म हुआ तो इस इल्म की वजह से इनके दिलों में डर पैदा हुआ कि ये आदमी मामूली आदमी नहीं है, उसकी ये सिफत पर। अब अल्लाह तबारक व तआला जब भी कोई बात कहता है तकरीबन हर आयत के आखिर में अपनी सिफत बयान करता है, समी है, बसीर है, समी उम बसीर, गफूर रहीम, इस तरीके की सिफतें बयान करता है। कान अल्लाह शाकिर अलीम, तो ये अल्लाह आयत के आखिर में अपनी सिफतें क्यों बयान करता है, ताकि जैसे उन दोनों गुंडों ने उस आदमी के ओहदे को जान करके, उसकी सिफत को जान करके कि ये सिफतें इंस्पेक्टर से मुतसिफ है डर गए। ऐसे ही कोई आदमी अगर अल्लाह की सिफत का तसव्वुर कर ले तो उसके दिल में तो डर आना ही है। तो अल खौफ नाजिच अनि इल्म, इल्म से जो खौफ पैदा होता है, दैट इज कॉल्ड खशिया, इन्नमा यख्शा अल्लाह मिन इबादिही। अगर आदमी को तसव्वुर हो कि अल्लाह सुन रहा है जो मैं बात बोल रहा हूं, पूरी बात बोलेगा, किसी को गाली देगा, इसी तरह अगर वो ये जान ले कि अल्लाह किसी पर बसीर है, आदमी कहीं भी रहे अल्लाह उसको देख रहा है, तो चाहे वो जन्नत में हो चाहे खलकत में वो बराबर गुनाह से बचे। आदमी तन्हा होता है तो ये समझता है यार कोई नहीं देख रहा है, गुनाह करो, किसी ने बहुत अच्छा कहा है कि खलवत में तन्हाई में गुनाह करने से और भी ज्यादा डर, इसलिए कि जो मुनसिफ है वही गवाह भी है। आप आना है कोई आपको देख नहीं रहा, तन्हाई में है कोई आपको देख नहीं रहा। कहते हैं कि तन्हाई में खलवत में गुनाह करने से और भी ज्यादा डर, इसलिए कि जो मुनसिफ है जो फैसला करने वाला है वो गवाह भी है। कोई इंसान गवाह हो ना हो रब्बे ताला तो देख रहा है ना कि तुम क्या कर रहे हो, तो जो मुनसिफ है ये गवाह भी है। तो आदमी के दिल में तसव्वुर आ जाए कि अल्लाह सुनने वाला है और अल्लाह देखने वाला है, तो बहरहाल उसकी जबान से कोई गलत बात निकल नहीं सकती और कोई गलत काम चाहे जल्दत में खलत नहीं कर सकती। तो अल खौफ नाजिच अनिल, इल्म से जो खौफ पैदा होता है इसको खशियत कहते हैं।
ये मतलब इन्नमा यख्शल्लाह मिन इबादिहिल उलमा, अल्लाह से उलमा ही डरते हैं, जिनके पास इल्म होता वही डरते हैं। एक दूसरे आयत अल्लाह ने फरमाया يَرْفَعِ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ, اللہ تم میں سے ایمان والوں کو اور جنہیں علم دیا گیا ہے ان کے درجات کو بلند کرتا ہے۔ ایک مفسر اس آیت کریمہ کی تشریح کرتے ہوئے لکھتا ہے کہ العالم يرفعه الله والجاهل يرفعه الناس, عالم کو اللہ بلند کرتا ہے اور جاہل کو لوگ بلند کرتے ہیں۔ جی جاہل ہے, علم نہیں اس کے پاس, اس کو کسی پوسٹ کے اوپر بٹھا دیتے, وہ لوگ جو کہ جانتے جاہل ہیں ہم ان کا کہتے ہیں, لیکن اللہ جاہل کو بلند نہیں کرتا بلکہ عالم کو بلند کرتا ہے۔ العالم یرفعہ اللہ, عالم کو اللہ بلند کرتا ہے, اس لیے یہاں کہا گیا یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات, اللہ عالم کو بلند کرتا ہے اور جاہل کو لوگ بلند کرتے ہیں۔ جی اس طرح جاننے والوں اور نہ جاننے والوں میں زمین اور آسمان کا فرق۔ علم کیا چیز ہے, اور اگر علم نہ ہو تو یہ کتنی خطرناک بات ہے, اس پر ہم بار بار گفتگو کریں گے۔ پہلے آپ کو یہ بتا دیں کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے بخاری شریف, اس کا ایک پورا چیپٹر ہے جس کو کہتے ہیں الکتاب, کتاب کہتے ہیں چیپٹر, چیپٹر پورا ہے علم کا, کتاب العلم, اللہ کتاب العلم آپ شروع سے آخر تک پڑھ سکتے تو آپ کے اوپر حیرتوں کے پہاڑ ٹوٹ پڑیں گے کہ اس آدمی نے اس پورے چیپٹر تدریسی منحل بتایا ہے کہ ایک استاد کو ایک طالب علم کو کس طرح ٹریٹ کرنا چاہیے۔ جی اللہ اکبر, اب آپ دیکھیں باب باتیں, باب و فصل العلم, یہ باب ہے علم کی فضیلت کا۔ کیا سمجھا؟ اگر میں کہوں یہ چیز بہت ہی اچھی ہے, یہ چیز بہت ہی اچھی ہے جس سے آپ کہہ رہے ہیں یہ چیز بہت ہی اچھی ہے, تاکہ اس کے دل میں اس چیز کو حاصل کرنے کا شوق پیدا ہو, تبھی تو کہتے یہ چیز یار بہت اچھی, کیوں؟ تاکہ آدمی اس کی فضیلت اور اس کی اہمیت کو سمجھ کر کے اس کو حاصل کرے۔ تو نام بخاری باب بات ہے, باب و فضل العلم, یہ باب ہے علم کی فضیلت کا, یعنی علم ایک فضیلت والی چیز ہے, یہ طلبا کو بتانا چاہ رہے ہیں اسٹوڈینٹس کو کہ علم حاصل کرو, اس لیے کہ علم بہت اچھی چیز ہے, علم ایک فضیلت ہے۔ تو گویا استاد کو چاہیے کہ طلبا کو اسٹوڈینٹس کو تعلیم کی فضیلت, تعلیم کی خوبیاں, تعلیم کی اہمیت بیان کرے تاکہ طالب علم علم کو حاصل کرنے کا شوق اور جذبہ اپنے دل میں پیدا کرے اور علم کو حاصل کرے۔ باب و فضل العلم, اور ایک جگہ باب بات ہے باب العلم قبل القول والعمل, یہ باب ہے علم کا بولنے سے پہلے اور عمل کرنے سے پہلے۔ کیا کہنا چاہ رہے ہیں؟ آدمی بولے تو پہلے علم ہونا چاہیے, اور آدمی کوئی عمل کرے تو بھی علم ہونا چاہیے, نہ بغیر علم کے بولنا چاہیے اور نہ بغیر علم کے کوئی عمل کرنا چاہیے۔ عمل کرے تو علم کی روشنی ہے, بولے تو علم کی روشنی ہے, اور دلیل دیتے ہیں اللہ نے فرمایا باب میں لکھ دیا ہے امام بخاری فعلم انہ لا الہ الا اللہ واستغفر لذنبی, یہ دلیل آ رہا ہے, اور کیا بولے فبدا بالعلم, اللہ نے علم سے شروع کیا ہے, کیا جان لو لا الہ الا اللہ کو, علم حاصل کرو لا الہ الا اللہ کا, اور اپنے گناہوں کی اللہ سے معافی مانگو۔ تو دیکھو علم پہلے ہے, فعلم سورہ محمد کی آیت ہے, فعلم علم حاصل کرو, تو پہلے علم ہے, اس کے بعد قول ہے, قول کا مطلب زبان سے لا الہ الا اللہ کہنا ہے۔ چلیے حدیث دیکھ لیتے ہیں, حدیث اس طرح وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ انه قال قیل یا رسول اللہ
من اسعد الناس بشفاعه يوم القيامه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لقد ظننت يا ابا هريره ان يسالني عن هذا الحديث احد اول منك فيما رايت من حسن على الحديث اسعد الناس بشفاعه يوم القيامه من قال لا اله الا الله خالصا من قلبه ونفسه كما هو البخاري في كتابه حضرت امام البخاري رحمه الله اس حديث اگے لائے اور یہ بھی چپتے اگے لائے حضرت ابو هريره پوچھتے ہیں कहते हैं कि एक आदमी ने सवाल किया था सवाल करने वाले भाई ने कि ऐ अल्लाह के रसूल सबसे ज्यादा खुश नसीब आदमी वो कौन है कि कयामत के दिन आप उसकी सिफारिश करते हैं। अल्लाह के रसूल जिसकी सिफारिश करते हैं फंस गया है अब उसे सिफारिश की जरूरत है तो ऐ अल्लाह के रसूल वो कौन सा खुश नसीब आदमी होगा जिसको कयामत के दिन आपकी सिफारिश नसीब होगी। तो पहले आप इस सवाल पर हजरत अबू हुरैरा की तारीफ कर रहे कि मुझे यकीन था कि ये सवाल तुमसे पहले कोई नहीं करेगा इसलिए कि तुमको हदीस से बड़ी मोहब्बत है। फिर आपने जवाब दिया कि मेरी शफाअत का कयामत के दिन सबसे ज्यादा मुस्तहिक वो खुश नसीब आदमी होगा जिसने कहा हो कौन कहा हो दिल से ला इलाहा इल्लल्लाह जी तो फालम इल्म ला इलाहा इल्लल्लाह और वस्तगफिर लिज़म्बिका अपने गुनाहों की माफी मांग लिया अमल है तो गोया के इल्म कौल अमल ये इमाम बुखारी कहना चाहते हैं यानी बाबुल इल्म कबल कौल वल अमल पहले इल्म है इल्म की रोशनी में बात होनी चाहिए उसके बाद इल्म की रोशनी में आपका अमल होना चाहिए बाबुल इल्म कबल और अजीब बात तो ये है आगे कह रहे हैं वमा याकिलुहा इल्लल आलिमून इसी बात में ये बताने के लिए कि इससे पहले जो आयत है उसमें अल्लाह ने शिर्क की तर्दीद करते हुए एक मिसाल दी है क्या مثل الذين اتخذوا من دون الله اولياء كمثل العنكبوت जिन लोगों ने अल्लाह को छोड़कर दूसरे सहारे बना रखे हैं अरे फला साहब हमारी बना देंगे फला साहब हमारी बिगाड़ देंगे फला साहब हमारा भला कर देंगे अल्लाह को छोड़कर जिन लोगों ने अपने आश्रय और सहारे बना रखे हैं इनकी मिसाल मकड़ी किसी है दे आर लाइक स्पाइडर्स ये सारे के सारे जो सहारे अल्लाह के अलावा इन्होंने बना रखे हैं कि हमारे आश्रय और सहारे सब मकड़ी की तरह एक मिसाल मकड़ी की तरह इत्तखदत बैता जिसने घर बनाया व इन औहनल बुयूत लबैतुल अंकबूत दुनिया में सबसे कमजोर घर मकड़ी का घर होता है और आगे अल्लाह फरमा रहा है इस मिसाल को आलिम ही समझ सकते हैं वमा याकिलुहा इल्लल आलिमून जी कोई मिसाल बयान की जाए तो उसको गहराई के साथ जानने वाले आलिम ही होते हैं वो बता रहे इमाम बुखारी रहमतुल्लाह और इमाम बुखारी ये भी बता रहे कि बच्चे को जब दर्स दिया जाए कुछ पढ़ाया जाए जी तो उस्ताद को चाहिए कि ओरली जबान से बयान करने के बाद बोर्ड पर लिखकर समझाने के साथ मिसाल दे जैसे ये क्यों इसलिए कि कभी कभी एक मिसाल हजार लफ्जों और हजार चीजों में भारी होती है इस वजह से एक मुदर्रिस को चाहिए कि पढ़ाने के अंदर बच्चों को मिसाल से समझाए जैसे ये मिसाल ऐसी ये बताएगा एक मुदर्रिस कि वो मिसाल दे ताकि बच्चा अच्छी तरीके से मिसाल के जरिए उस बात को समझ ले। अच्छा आगे फिर कितना ला रहे इन्नमल इल्म बिताल्लुम इल्म जो होता है ये सीखने से होता है। इशारा इस बात की तरफ है कि दो चार किताबें पढ़ करके कोई आलिम नहीं होगा सीखना पड़ता है जी सीखना पड़ता है किसी आलिम के पास जाकर जानवे कलमजा कह करो शागिर्दी का जानो कह करो हमें पढ़ा दीजिए तो दो चार किताबें पढ़ करके कोई आलिम नहीं होता और दो चार किताबें पढ़ करके जो अपने आप को आलिम कहता है उससे मसले मत सुनो उससे मसले मत पूछो क्यों इसलिए कि इन्नमल इल्म बिताल्लुम यह हदीस ला रहे इमाम बुखारी के इल्म जो होता है वो सीखने से होता है आप किसी उस्ताद से सीखिए
अब तालिब इल्म को बताया गया कि भाई किताब पढ़कर के आलिम मत बन जा, बल्कि जा किसी उस्ताद को पकड़, उससे सही दो चार किताबें पढ़कर कोई आलिम नहीं होता। इन्नमल इल्म जो होता है वो सीखने के जरिए होता है। अल्लाह अकबर, क्या तदरीसी मनहज है, पूरा तरीका बता दिया गया है, क्या बात। और रब्बानी वो है जो लोगों की तरबियत करे, पहले छोटे छोटे मसले बयान करे फिर बड़े बड़े मसले। बताया गया कि मुदर्रिस पहले छोटे छोटे मसले बच्चे के सामने रखे, यानी पिछवाड़ से तफसील सहल से मुश्किल की तरफ जाए, पहले मुश्किल चीजें न बयान करे बल्कि छोटी छोटी चीजें पहले उसके सामने रखे और उसके बाद फिर उसकी तफसील करे फिर बड़ी बड़ी चीजें उसके सामने बयान करे। अच्छा, एक चीज और भी, एक होता है तालीम और एक होती है तरबियत। आज हम अपने बच्चों को तालीम तो देते हैं मगर तरबियत नहीं देते, असातिज़ा मदारिस में तालीम तो देते हैं मगर बच्चों को जेवर अदब से आरास्ता नहीं करते। तो तालीम और तरबियत में फर्क है? जी हाँ, फर्क है, फर्क है, तालीम और तरबियत में फर्क है। समझाओ, जैसे किसी बच्चे से आपने कहा ये है, ये क्या है? अरे मौली साहब ये अलिफ, अलिफ। अच्छा, ये क्या है? बोले अलिफ, अलिफ तालीम। आपने बताया वैसे अलिफ ये क्या है? बोले अलिफ, अलिफ ठीक है, ये तालीम। और जब कहा जाए बेटा अलिफ से क्या होता है, तरबियत अच्छी भी होती है, तरबियत बुरी भी होती है। आज हमारे लाडले बच्चे, इनके लिए मोटरसाइकिल बाप निकाल करके लाता है, चाबी हाथ में देते हुए कहता है बेटा ये रही चाबी और ये रही तेरे लिए गाड़ी, आज से कसम खा ले कि इसमें जो हार लगा है ये हार जरूरत के वक्त इस्तेमाल करने के लिए नहीं है, बल्कि तू इस हार को तुम पूरा समझ, हर गली में सड़क पर इसको बिना जरूरत बजाता फिरता रह, तो इसलिए कि कसम खा ले कि इस हार के जरिए लोगों का जीना खराब कर दिया, सुकून से नहीं रह रहे हैं, वही हो रहे हैं। ये सब गलत कर दिए थे, गलत कर दिया। तुम्हें एहसास है जरा बराबर भी कि तुम्हारे इस तुनतुने से किसी हार्ट पेशेंट को तकलीफ हो सकती है, किसी दिमागी मरीज का मर्ज पड़ सकता है, कोई बीमार बच्चा सोया हुआ है और तुम्हारी आंख और तुम्हारा यह तुनतुना अगर उसको जगा दे तो रात भर मां उस बच्चे को सुनाना मुश्किल हो जाता है। तुमने यह तरबियत कहां से ली है? यह इस्लामी तरबियत नहीं है कि तुम हाथ को जो जरूरत के वक्त इस्तेमाल किया जाता है उसे तुनतुना बना लो, लेकिन मां तुनतुना, यह तुनतुना नहीं है। बचा के खेल गली में और मोहल्लों में पोस्टर को टोका, यह गलत तरबियत। तो ये गाड़ी दे देना, गाड़ी की चाबी दे देना, ये तालीम जी। और ये कहना बेटा आज से कसम खा ले कि हर एक महल्ले वाले का जीना हराम कर देना है, ये तरबियत जो गलत है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये सिफत है, आप बाजारों में शोर मचाने वाले बने, और जन्नत की एक सिफत है शोर नहीं, ला सखब फी रजल सब, जन्नत में शोर नहीं। और नबी ने फरमाया बाजार में शोर ना करो,
तुमने तो नबी के इस हुक्म के खिलाफ और नबी की इस सिफत के खिलाफ शुरू कर दिया। तुमसे ज्यादा शोर मचाने वाला कौन, लोगों को तकलीफ पहुंचाने वाला कौन है? तो ये तुम्हारी गलत पार्टी है कि तुमने फॉर्म को जो जरूरत से जरूरत का प्रश्न था तुमने तुमको ना मना लिया। ये सिर्फ मोटरसाइकिलों वालों का मामला नहीं है बल्कि रिक्शे भी इसमें शामिल है, कारें भी शामिल है, जरूरत और थॉट से जी। इमाम बुखारी रहमतुल्लाह एक बात कायम करते हैं, रजीब साहब कहते हैं कि तालीम की अहमियत है इस्लाम में, के आदमी अपनी बेटियों को अपने बेटों को सबको तालीम दे, साथ साथ अपने नौकर को भी तालीम दे। बताइए जिस मजहब के अंदर ये तसव्वुर हो कि उनके यहां काम करने वाला सील हो उसका इल्म कितनी है अंदाजा लगेगा। इमाम बुखारी बाबो तालीम रजुल अमत हुआ कि ये बात है आदमी तालीम दे अपनी लौड़ी को। पहले लौड़ियां होती थी, आज नौकरानियां हैं, लौड़ियां तो होती थी उनकी कमाई उमाई सब आका का होता और वो वैसे ही लौड़ी को इस्तेमाल कर सकता था जैसे आपने बीवी को इस्तेमाल करता जी। अब वो दौर खत्म हो गया है, यहां तक के अब नौकरानी भी आप यहां हो तो इल्म का ऐसा तसव्वुर इस्लाम ने दिया है कि हमारे घर में काम करने वाली औरत भी इल्म वाली होती है। और उसके तहत हदीस लाने चलो वही सुन लेते हदीस की शिक्षा। अखबाराना मोहम्मद سلام حدثنا البخاري بن قال حدثنا صالح بن حيان قال قال عامر الشافعي حدثني ابو برده عن ابي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثه لهم اجران رجل من اهل الكتاب امن بنبيه فامن محمد صلى الله عليه وسلم والعبد المملوك اذا اتى قبل يتحقق مواليه ورجل كانت عنده أمة فأدبها فأحسن تأديبها وعلمها فأحسن تعليمها ثم أعتقها فتزوجها فلو أجرا ثم قال عامر آتيتكها بغير شيء وقد يركب فيما دونها إلى المدينة رواه البخاري في كتاب الإيمان. حضرت إمام البخاري رحمه الله اس حدیث ایسے کتاب میں کے اندر لائے کہ پوری سند کے ساتھ حدیث پڑھ دی گئی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تین آدمیوں کو ڈبل اجر ملنے والا ہے ڈبل ثواب۔ آدمی ایک کام کرے تو اس کو ایک ثواب ملتا ہے لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تین آدمی ایسے ہیں کہ ان کو ڈبل ثواب ملتا ہے ڈبل اجران۔ کون کون؟ رجل من اہل کتاب، اہل کتاب کو جاتا ہے یہودی ہے اور یا نصرانی ہے، یہودی عیسائی ہے۔ دیکھو یہودی اپنے نبی موسیٰ پر ایمان لائے اور عیسائی ہے اپنے نبی عیسیٰ کے اوپر ایمان لائے، تو وہ آدمی جو اہل کتاب سے ہو اپنے نبی پر ایمان لایا پھر محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لایا۔ دیکھو تو اپنے نبی پر ایمان لانے کا ایک ثواب اور پھر وہی آدمی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کے بعد محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آتا ہے ڈبل ثواب۔ اچھا اور دوسرا آدمی کون؟ دوسرا آدمی وہ غلام ہے جو اپنے آقا کی بھی خدمت کرتا ہے اس کا حق ادا کرتا ہے اور اللہ کا حق بھی ادا کرتا ہے، نماز روزہ حج زکات کا پابند ہے غلام ہے اور اپنے آقا کی بھی خدمت کرتا ہے اور اللہ تعالی کا حق ادا کرتا ہے۔ تو اللہ کا حق ادا کرے غلام اور اپنے آقا کا حق ادا کرے تو ایسے آدمی کو دو اجر، اس لیے کہ ایک اللہ کا حق ادا کر رہا ہے اور دوسرے اپنے آقا کا حق ادا کر رہا ہے، تو یہ دو حقوق ادا کرنے کی وجہ سے اس کے جو اجر ہے بڑا بڑا کرتا ہے۔ تیسرے رجل کانت عندہ امۃ، ایسا آدمی جس کی ایک لونڈی تھی، لونڈی
लौंडे उसे जो भी काम करना चाहते थे लेकर के आते थे, मारते थे। यहाँ तक कि कई सहाबिया जो लौंडी थी उनको मार ही दिया गया, मार दिया गया। इतना जुल्म खाते थे और लौंडी थी उनके साथ कुछ भी कर सकता, खरीद कर लाता, जैसे जानवर खरीदे जाते थे, जैसे बाजार में खरीद कर ले आता, बिकती थी और उनके साथ वैसे शुरू करते थे बीवियों के साथ जायज। तो रजुल कान पिंडो अमत, ऐसा आदमी जिसकी लौंडी हो क्या करे, वो फअदबह उसे अदब दे, फअहसन तादीबह अच्छा अदब जी, और वो अल्लमह उसे तालीम दे, लौंडी को फअहसन तालीबह उसे अच्छी तालीम दे, उसे आजाद कर दे और फिर शादी कर ले, जो लौंडी थी उसे आजाद करके उसे शादी कर ले। इतना बड़ा सवाब है, अल्लाह के रसूल ने फरमाया उसके लिए दो अजर, लौंडी है उसको तालीम देने पर इतना अजर, नौकरानी है अच्छा समझो के उसके लिए दो अजर। और ये इतनी अहम हदीस थी, जानते हैं सवाले इब्न हय्यान जो शागिर्द हैं ये आमिर शाबी के, आमिर शाबी उनसे कहते हैं ये जो हदीस में जो बयान किए आतैना कहा बगैर शरी, ये हदीस हमने तुमको फ्री में बयान कर दी, बगैर शरी ऐसे ही तुमको ये हदीस बयान कर दी है। वक्त कद कान जुर कद जुर कबू फी मा तनाई अल मरीद, इससे छोटी हदीस के लिए आदमी को सवार होकर मदीना जाना पड़ता है। तो बहुत कितनी हदीसें आपको मालूम हो जा रही है, कितने खुश नसीब है आप, ये कह रहे हैं ये हदीस हमें बयान की है, इससे छोटी हदीस जानने के लिए मदीना तक आदमी को सफर करना पड़ता है सवारी के, और वो मैंने ऐसे बयान कर दिया आप मदीना का बयान फ्री में मैंने बयान कर दिया। तो आप देखें आप जिस मजहब के अंदर एक लौंडी को इल्म देना ऐसा है कि अल्लाह उस पर डबल सवाब देने वाला है, दो अजर देने वाला है, आप इल्म की अहमियत समझिए कि हमारे यहाँ हमारी बेटियां से इल्म हो, हमारे बेटे से इल्म हो, और हमारे वालिदैन से इल्म हो, यहाँ तक कि हमारी दुकान में काम करने वाला नौकर भी से इल्म हो, इल्म वाला ये इल्म की अहमियत है। जिस मजहब में इल्म का ये तसव्वुर हो, जरा देखें शरीयत खानदान उनकी कितनी, ये कितने तालीम याफ्ता है, 90% तो जाहिल है जी, इल्म में बेहतरीन कोई वकील है, बेहतरीन कोई आईएएस है, लॉ आईएएस है, कोई भी नहीं जी, तालीम की शरीयत की कम है। तो नौकर ऐसे रखे जाएं जो सीख लूं, बताइए ऐसे मजहब में इल्म का क्या तसव्वुर होगा, अंदाजा लगाइए। वाह एक हदीस देखे कितनी अजीब है, हदीस हदीस इस तरह का, वान अब्दुल्लाह इब्न सबरत सलमी قال حدثنا ابو هريره رضي الله تعالى عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يقول الدنيا ملعونه ملعون ما فيها إلا ذكر الله وما بالاه أو عالما أو متعلما رواه ابن ماجه في كتاب الصحت حضرت امام ابن ماجه رحمه الله اس حدیث کو ابن ماجه شریف کی کتاب الصحت کے اندر لائے اتے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دنیا پوری کی پوری ملعون ہے دنیا ملعون ہے ملعون کا مطلب ملعونتن اے مبعدتن عن رحمت سے دور ہے دنیا پوری کی پوری ملعون اچھا پوری دنیا ملعون اچھا ملعون ما فیہا دنیا میں جتنی چیزیں وہ سب ملعون سوائے اللہ کے ذکر کے الا ذکر اللہ اور وما والا اور وہ چیزیں جس کو اللہ پسند کرے یا ذکر سے جو چیز متعلق ہے اللہ کا ذکر اچھا اور اللہ کی چیز کو پسند کرے تو تیسرے عالم اور متعلم علم دینے والا اور علم لینے والا یہ ساری چیزیں
रहमत वाली है। इसके अलावा पूरी की पूरी दुनिया मरहूम है, रहमत से दूर है। तो हमें इस दुनिया में जो रहमत वाली चीजें कौन सी है, अल्लाह का जिक्र है वो करे, अल्लाह जिस चीज को पसंद करे वो करे, और इल्म दे, इल्म ले। इसके अलावा दुनिया की सारी चीजें बशमूल दुनिया के सारी मरहूमत ये हाल है दुनिया का जिसके पीछे तुम पड़े हुए। आदमी किसी मदरसे में पढ़ता है, उसे बताया जाता है अल्लाह क्या है, रसूल क्या है, सब पढ़ गया, बीच में कभी छोड़ देता है और कभी यूनिवर्सिटी में चला गया, मुर्तद हो जाता है। अल्लाह रसूल क्या है, अरे अल्लाह अल्लाह कोई चीज नहीं, रसूल रसूल कोई चीज नहीं, जो कुछ अरे माश नहीं के क्या पता, ये दुनिया है जिसने तुझे ये तस्वीर दिया, बनाने वाला कोई नहीं, वैसे पैदा हो गया। अरबी तालीम हासिल कर रहा था उसे अल्लाह उसके रसूल का इल्म दिया गया, बाहर निकला यूनिवर्सिटी में गया, नमाज छोड़ दी, रोजा छोड़ दिया, नमाज छोड़ दी, रोजा छोड़ दिया, कहता अल्लाह क्या क्या रसूल क्या है। तो ये तालीम मिल रही है दुनिया से, दुनिया ये तालीम दे रही है, खुद वो अल्लाह की रहमत से दूर है, तो तुमको अल्लाह की रहमत से दूर करने वाली है अगर तुम दुनिया में फंसे हो। इल्म दीन छोड़ा तुमने और तुमने इल्म दीन के साथ इल्म दुनिया हासिल करना था, तुमने इल्म दीन को छोड़ करके इल्म दुनिया को पकड़ लिया, अब कहते हो अल्लाह क्या है, रसूल क्या है, ये दिया है तुमको दुनिया में अल्लाह की रहमत से, जो खुद अल्लाह की रहमत से दूर हो उसके साथ अगर तुम जुड़ जाओगे तो तुम खुद अल्लाह की रहमत से दूर हो जाओगे। ये दिया है आज दुनिया ने जी, ये दिया है दुनिया, तुम्हारे पास इल्म नहीं है। हम देखते हैं डॉक्टर जो डॉक्टरी पढ़े पढ़े आया है उसकी जिंदगी में दीन नहीं है, गरीब से गरीब आत्मा के साथ बहुत बुरा सलूक करता है, पैसे देने ही है, पैसे आ रहा है, मरीज कर रहा है, लेकिन उसका दिल नहीं बिगड़ता, उसका दिल नहीं बिगड़ता। ये तालीम है शराब का, एक इंजीनियर है सूट खोल रहा है, एक बड़ा आदमी है, एक ऑफिसर है रिश्वत खोल रहा है, तो ये रिश्वत खोरी, ये सूट खोरी, ये करप्शन, ये किसने दिया, ये दुनिया के लिए ने तुम्हें दिया, ये जो खुद मरहूम है, तो मरहूम चीज तुमको मरहूम ही चीज देने वाली है जिससे इंसानियत को सिवाय दुख और तकलीफ हो। सूदी कारोबार रिश्वत कोई काम कराने का नहीं, ये अरे सरकारी काम तो नहीं रहे तेरे को, ये क्या ले रहा है पीछे, ये जो डॉक्टर है, ये जो इंजीनियर है, ये जो ऑफिसर है, इनकी जिंदगी में दीन नहीं है, ये दुनिया से जुड़े हुए लोग, लिहाजा हर वो चीज करते हैं जिससे इंसानियत को इसलिए इनकी जिंदगी में दीन नहीं है। ये दुनिया जिससे तुम चिंते हुए हो ये खुद मालूम है अल्लाह की रहमत से दूर है, तो तुमसे वही काम करवा रही है जो अल्लाह से तुम्हें दूर करता है। ये दुनिया जिसके पीछे तुम खुद के लिए भाग रहे हो, ये दुनिया बहुत सस्ती है, अल्लाह देना दोबारा इल्म क्या है। देखिए एक हदीस बोलता है इमाम दारक रहमतुल्लाह उससे दार मुशीफ लाए अन मिसाल और समय तो अब्दुल दारा अत्तैमी ये यकूल मन कूतिय मिन अल इल्म मा ला युती लखलीक अल्ला यकूल कूतिय इल्म यनफउहु यद अल्लाह तआला नअत अल उलमा ثم قرأ قل آمنوا بي ولا تؤمنوا إن الذين يدعون يخرون للأطفال سجدا ويقولون سبحان ربنا إن كان وعد ربنا لمفعولا ويخرون للأذقان يبكون ويزيدهم خشوعا وذرا. نبي كريم صلى الله عليه وسلم نے فرمایا کہ اگر آدمی
उसका इल्म उसे बुला ना सके, आदमी उस इल्म की वजह से रो ना सके, तो इस लायक है वो कि उसको इल्म न दिया जाता तो उसको नफा बख्शे। बताइए चला कि इल्म वो है जो इंसान को भुला दे जी। और आदमी कब रोता है? जब उसके दिल में अल्लाह और उसके रसूल की मोहब्बत भरी हुई। अगर दुनिया भरी हुई हो सवारी पैदा नहीं होता तो वो रोए। तो अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि ऐसा आदमी जिसके पास कोई इल्म हो और वो इल्म उसको रुला ना सके तो बेहतर यह है कि उसको कोई इल्म ना दिया जाता जो इल्म उसे दिया गया जी। तो दरहकीकत इल्म वही है जो इल्म आदमी को बुलाता और ये इल्म हमें नबी से मिलता है। ये इल्म हमें नबी से मिलता है। वो अंबिया की विरासत है वो इल्म जो नबी छोड़ता है। जैसे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस है जिसके अंदर बताया गया कि वो इल्म कौन सा है, वो इल्म कौन सा है जिसकी ये फजीलतें बयान की गई, जिसकी ये फजीलतें बयान की गई वो कौन सा है। चलिए वो हदीस देख लेते हैं। हदीस है इस तरह वान कसीर इब्न कैस कौल كنت جالسا مع ابي الدرداء رضي الله تعالى عنه في مسجد دمشق فجاءه رجل فقال يا ابا الدرداء اني جئت من المدينه لرسول صلى الله عليه وسلم بحديث بلغني انك تحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ما جئت لحاجتي. قال فان سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من سلك طريقا يدعو فيه علما سلك الله به طريقا من طرق الجنه وان الملائكه لتزوج اجنحتها لسد طائر العلم وان العالم لا يستغفر له من في السماوات ومن في الارض وفي كل جوف المال وان فصل العالم على العابد كفصل القمر ليله البدر على سائر الجمال وان العلماء ورثه الانبياء وان الانبياء لم يورثوا دينا ولا درهما ورثوا علما فمن اخذه اخذ الحق وفي ربه قدوه. حضرت كثير بن قيس کہتے ہیں کہ میں جامع مسجد دمشق کے اندر بیٹھا ہوا मुझे पता चला है कि आप रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से एक हदीस बयान करते हो। हदीस निकल आज हदीस में इतनाई इल्मी से में इतनाई की है कि उसे लोग बस ऐसे सुन लेते हैं, सुना दिया सुन लेते हैं बस ऐसे ही। देखिए एक आदमी मदीना से चल करके सीरिया है नबी के साथ आता कहता है मैं एक हदीस सुन लिया आपसे जो रसूल से आप बेहतर थे तो आपने वही ये वाली हदीस सुनाई कि अल्लाह के रसूल ने फरमाया मैंने सुना है कि आपने फरमाया कि जो आदमी इल्म की तलाश के लिए निकलता है वो तो दरहकीकत वो रास्ते पर नहीं चलता बल्कि वो जन्नत के रास्ते पर चल रहा है। आप लोग जो आए हैं सब सुनने के लिए जो रास्ता आपने तय किया ये इल्म के लिए आपने तय किया है। दरहकीकत ये रास्ता इल्म का नहीं बल्कि जन्नत का रास्ता है जी। ये रास्ता जन्नत का है और आप आए हो आपके कर्मों के लिए फरिश्तों ने पढ़ बिछा दिया और आलिम आए दो ये पूरी कायनात उसके लिए दुआ करते हैं फरिश्ते उसके लिए दुआ करते हैं बल्कि कर्म की चोट में पानी के अंदर मछलियां उसके लिए दुआ करते हैं और आलिम की फजीलत है आबिद के ऊपर ऐसे है जैसे चौधरी रात में चांद की फजीलत तमाम सितारों के ऊपर और कहा कि वलमा ये अंबिया के बारे से वही मिनल अंबिया लम जो ने तू दीन आरम वाला दिया हमारा वरस बड़ी यानी अंबिया के राम जब छोड़ कर जाते हैं वरस बरका वो कहेगा जो इल्म होता तो जो लोग इस लायक को लेते कहते हैं कि भाई इल्म जिस पर आप बहस कर रहे हैं वो इल्म क्या है इस हदीस में मौजूद है वो इल्म अल मौरूस वो इल्म जो वरासत में अंबिया से मिला है। दर हकीकत यही हकीकत इल्म है। और एक बात अहम बयान कर दूं उसके बाद बात आज हम कहेंगे और इत्तेफाक ऐसा है कि आज हम तीनों जमा होते हैं कभी ये होता है तो मैं नहीं होता कभी ये दोनों होते तो मैं नहीं होता आज इत्तेफाक है ये क्या बात है भाई आप लोगों की दुआएं क्या तीनों मसलों की करता होगा।
हेलो एकदम अगवा चलाओ भैया, पंडिया भर के दे दो बटालियन में। तो ये इल्म से मुराद क्या है? इल्म मौरूस, मौरूस एंड मुहम्मद। हेलो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं कि अगर ये इल्म ना हो खतरनाक बात है। एक नहीं होता सबसे पहले आदमी शिर्क में मुब्तला होगा। और शैतान ये चाहता है कि इल्म दीन जो है ना वो खत्म हो जाए। जैसे चलिए वाजिब पढ़ लेते हैं। अली बिन अब्बास रज़ियल्लाहु तआला अन्हु सारत अल औसान अल्लज़ी कानत फ़ी क़ौमि नूहिन फ़ी अरबी बा'द अम्मा वद्दुन कानत लि क़ल्बि नदौमति जन्नत व अम्मा सुअम कानत लि हुज़ैल व अम्मा यूक़ु फ़ कानत लि मुरादि थुम्मा लि बनी हुज़ैफ़ बि जौफ़ि कसरा فاما يعوق فكانت فكانت حمدان واما نسل فكانت الحميرات بآلس الكلاعي اسماء رجال الصالحين فلما هلكوا اوحى الشيطان الى قوم ان انسبوا الى مجالسهم التي يجلسون انصابا سموا باسمائهم فقالوا الم تعبد حتى اذا هلك اولئك وتنسخ العلم عبدا رواه البخاري في كتابه कहते हैं कि कुरान में सूरह नूह में पांच लोगों के जो नाम है वद सोआ यबूस यूम नस्र ये पांच जो थे ये नूह अलैहि सलाम के कौम के बड़े बुजुर्ग लोग थे अस्मा और रिजाल सारे इन एक लोगों के नाम थे। अच्छा ये जब मर गए तो चूंकि लोग इनसे बड़ी मोहब्बत करते थे एक लोग तो इनके मरने के बाद लोग बड़े दुखी हो गए। अरे ये पांच आदमी थे इतने अच्छे थे हमारे दरमियान से चले गए। अब शैतान आया एक चीज बताता हूँ इनकी याद आ रही है ना याद आ रही है आज ये जहाँ जहाँ बैठते थे ना पांचों ये यहाँ बैठता ना उसका यहाँ स्टेज बना लेता वो वहाँ बैठता ना वहाँ स्टेज बना लेता वो वहाँ बैठता ना वहाँ स्टेज बना लेता अनिल से वो इला मजारी से मिल लेती है कि रसूल हमने जो तो मान सब बना लिया लेकिन उन्होंने मालूम कि ये एक लोग थे ये मालूम नहीं हुई सिर्फ स्टेज खड़े कर दिया याद जी इबादत नहीं की गई उनकी। अच्छा हटाए ना हटा उड़ाए के पूरी नस्ल खत्म हो गई जिन्हें मालूम था कि ये वो क्यों बनाए गए थे ये जो मर गए वतनस्सखल ये भी रखा था और मां बुखारी ला रही ये वतनस्सखल ये तनस्सुख का मतलब जो तू डिलीट कर दे ये भी अकेला लिखा हुआ कहते हैं ये मैसेज डिलीट कर दो तो डिलीट करने के लिए नस आता है नस उस बारे में बताना सुख कहते हैं तो इल्म था पहले तब तक इबादत नहीं थी बताना सखल इल्म इल्म जब ठीक हो गया तो बिदत जैसे इल्म खत्म हुआ इबादत शुरू हो गई और जानते हैं एक नबी सारे 900 साल तक इनको समझाते समझाते ये मानने के लिए तैयार नहीं थी। ये जहालत है पता ये चला कि शिर्क है सबसे बड़ा गुनाह ये जहालत की पेट से जन्म लेता है। इल्म जब खत्म हो जाता है तब फिर शिर्क जन्म लेता है और शैतान ये चाहता है कि इनको दुनिया भी इल्म में फंसा दो। दुनिया पूरी की पूरी भरपूर है और इसमें पर जितनी चीजें सब मालूम है यहाँ ये जब सारी चीजें जब ये अल्लाह की रहमत से दूर है इनको उसी के साथ लगा दो ये भी अल्लाह की रहमत से दूर है इनके इल्म से दूर कर दो खुद बखुद ये मुर्तद हो जाएंगे खुद बखुद ये गुमराह हो जाएंगे शिर्क में मुब्तला हो जाएंगे वगैरह वगैरह। एक हदीस और पढ़ देता हूँ जी ऐसा पैर हम तो आका का खाते हैं ये सरकार देते हैं हम सरकार की गली के कुत्ते हैं सरकार को गुनाह डाल देते हैं खा लेते दलील क्या है انما رسول فرمایا انما انا قاسم والله يوتي اللہ دے رہا ہے میں بانٹ رہا ہوں۔ اچھا اب سبھی سے ایک بندے نے استدلال تو کیا کہ میں بانٹ رہا ہوں اللہ دے رہا ہے ہم تو نبی کے کتے ہیں نبی ٹکڑے ڈال دے رہے ہم کھا رہے ہیں۔ اس وقت کو کم سے کم حدیث کے آگے پیچھے تو دیکھنا چلیے دو حدیثیں پڑھ لیتے ہیں بات بالکل صاف ہو جاتی ہے کہ علم جب ڈیلیٹ ہو جاتا ہے یا علم اس میں نہیں رہتا تو آدمی کیسے کیسے اس کی لالا کرتا ہے۔ چلیے وہ پہلا حدیث دیکھتے ہیں سند مالی مشہاب القول سمیت معاویۃ رضی اللہ تعالی عنہ خطیبا یقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم
जिनको आजकल ये नए नए जो निकले हुए हैं जिन्होंने कहीं इल्म सीखा नहीं, इमाम बुखारी को माफ नहीं कर, नमस्कार इनमत इल्म के ताल्लुक इल्म चंद किताबें पढ़ने से नहीं आता, उलमा के सामने जाकर तो उसे इल्म लेना पड़ता है, चंद किताबें पढ़ता है कि ये बात करने वाले लोग क्या हजरत हम ये मौजी आयशे के हजरत हैं जिस आदमी के साथ अल्लाह खैर का इरादा है। देखो बहुत प्यारा इस्तेमाल करने जा रहा हूं, अल्लाह जिसके साथ भलाई का इरादा करता है खैर का, उसे दीन की समझ देता है। अल्लाह जिसके साथ खैर का इरादा करता है उसे शरीयत का इल्म देता है, कुरान का इल्म देता है, हदीस का इल्म देता है, ये मतलब है दीन का। जी जिससे अल्लाह खैर का इरादा करता है उसे दीन का इल्म देता है, यानी कि इल्म शरई वो फिक्र की दीन। जी और होता ये भी है कि जिसको दीन का इल्म मिल गया खैरियत में और जो दीन के इल्म से दूर हो गया खैरियत से दूर हो गया, ये मतलब है। मैं युरीदुल्लाहु बिखैरिन फतुफी। और दूसरा टुकड़ा अल्लाह के सुन, इन्नमा अना कासिमुल्लाहु युती, मैं बांटने वाला वरना देने वाला, ठीक है इतना टुकड़ा ठीक है। और आगे वलन तज़ाल हाज़िहि उम्मतु क़ाइमतन अला अम्रिहा ला यज़ुरु मन फ़ख़ालफ़ मा क़ायदा अम्रुल्लाह, जब तक ये उम्मत अल्लाह के अम्र पर कायम रहे तब तक कोई मुखालफत करने वाला इसकी इसका कुछ नहीं मिला सकता, इसको तकलीफ नहीं आ सकती। अम्रुल्लाह आ जाए, देखो दो अम्र हैं, हमें अम्र पर बैठे रहना है जब तक अम्र ना आ जाए। दोनों अम्र अलग अलग माने जाए, जी हाँ दोनों अलग अलग माने। अम्रुल्लाह का मतलब और ऐसा भी तक पर हालात नहीं है, कैसे हालात आए दीन पर साबित हो वो मुस्तम सिकत बन गई और मजबूती से उसको पकड़े हुए। हाँ अब याद किया तुमको याद कर अल्लाह का बात, अल्लाह के आने से मुराद एक खबर चली थी कयामत के करीब, और इस खबर के चलने की वजह से तमाम के तमाम मोमिनी जो उसको जिंदा रहेंगे ये तक भी सोर वाहे मोमिनी, ये हवा तमाम मोमिनी की रूहों को निकाल देगी, तमाम लोग बच जाएंगे, कितने मोमिन रहेंगे सब बच जाएंगे। अब चले तो इस हवा के आने तक जो आदमी कायम रहा वो बराबर लन तज़ारा आदि उम्मत पाई, ये खैरियत में रहेगी और इसे कोई नुकसान पहुंचा नुकसान पहुंचा नहीं, ठीक है। इन नमाना पास हाल हम मैं बांटता हूं अल्लाह दे रहा है, ठीक है, लेकिन दूसरी हदीस देख लेना, दूसरी हदीस क्या है, दूसरी हदीस देख, ये तो पकड़ लिया इसे, लेकिन दूसरी हदीस नहीं देखा उसने, दूसरी हदीस क्या है इसे इमाम बुखारी किताब में भी मिला है, दूसरी हदीस क्या है, अन अबी हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्न रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम قال ما اوتيكم ولا امنعكم انما انا قاسم ازو عصوم رواه البخاري في كتاب فرض الخمس। आगे चल करके कहां जनाब हमारे का बयान है वहां पर ये बात कर हजरत अबू हुरैरा फरमाते हैं कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि मैं बांटने वाला। अच्छा इससे पहले आपने क्या कहा, मैं तुम्हें देता नहीं, ये कहता है कुत्ता हूं के दे दिया जाता है, मैं तुम्हें देता नहीं और मैं तुमसे रोकता नहीं, मैं सिर्फ बांटने वाला हूँ, असौ ऐसो में जहाँ मुझे देने के लिए कहा जाता है वहां देता हूँ और जहाँ मुझसे कहा जाता है न दे वहां नहीं देता हूँ, तो मेरे बस में क्या है जहाँ मुझसे कहा जाता है वहां देता हूँ, तो देने वाला कौन। अब ये बंदा इस्तेमाल क्या कर रहा है, हम तो सरकार के कुत्ते हैं, हम तो सरकार के कुत्तों पर पल रहे हैं, ये इस्तिदलाल गलत क्यों है, इसलिए कि बेचारे ने इल्म को बस ये कुछ ढाल करके अपनी मर्जी से इस्तिदलाल किया, उस कुत्ते से दूसरी हदीस नहीं थी, पता ये चला कि इल्म एक बहुत ही अहम चीज है, और अगर आपको पूरा तदरीसी मनहज इमाम बुखारी का देखना है तो पूरा किताब उन्होंने वहां पढ़ जाओ, कमाल का चैप्टर है पूरा, अब चैप्टर पढ़ जाए तर्जमे के साथ। तो ये था इल्म के ऊपर चंद अहम
उसके चलते हमने कहा था अल्लाह हमें भी कुछ अता फरमाए। वाखिर दावा अल्हम्दुलिल्लाह।